हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा। एंड आज मैं आप लोगों के लिए अपनी इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि मैंने अपनी बालकनी में कुछ नए पौधे लगाए हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं। तो ये जो मैं पौधा अभी लगा रही हूँ, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इस पौधे पे जो है, या आप साइड में इमेज देख रहे हो, इस तरह के फ्लावर आते हैं इस पर। एंड इसकी इस फ्लावर की शेप जो है वो बिल्कुल कोरोना जैसी है। तो हम लोग तो इसे घर पर, हमने तो इसे इस पौधे को मतलब कि कोरोना का पौधा ही इसका नाम रख दिया, तो हम लोग तो इसे कोरोना का पौधा ही कह के बुलाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों में से किसी को इस पौधे का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इसके बाद मैं अब यहाँ पे जो ये पौधा लगा रही हूँ, इसकी थोड़ी सी क्लिप मैं जो है ऐड नहीं कर पाई इसमें, मतलब कि वीडियो नहीं बना पाई थी। ये सदाबहार का पौधा मैंने लगाया है। एंड इस पे भी जो है बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। एंड अब यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ गेंदे का पौधा। एंड जिसके लिए मैंने एक बोतल का यूज़ किया है। ये बोतल मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका यूज़ कर लिया जाए। तो मैंने इसको हाफ कट करके इसमें मिट्टी भर के, तो मैं इसमें वो गेंदे का पौधा लगाऊंगी। एंड आप में से भी बहुत लोग इस तरह से पौधे का यूज़ कर सकते हैं पौधे लगाने के लिए। मैंने अपने बालकनी में बहुत से पौधों के लिए ये यूज़ किया हुआ है ये फॉर्मूला। तो अगर आप लोग चाहें तो, अगर आपके पास जो भी खाली बोतल अगर घर में पड़ी हो, तो उससे आप जो है उसमें पौधा लगा सकते हैं। और ये पौधा मतलब थोड़ा अभी छोटा तो है ही, बट ये जो है हवा से हिल रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी बालकनी में, तो ये पौधा उसकी वजह से हिल रहा है। बस इसी तरीके से मैंने पौधे लगा लगा के अपनी बालकनी को बहुत ही सुंदर डेकोरेट कर रखा है। एंड हम सभी लोगों को अपने घर में, अपने आसपास पौधों को ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।